हाय फ्रेंड लोग, तो आज हम आपको किचन दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं किचन। देखिए मेरा लिफ्ट आ गया ऑलरेडी, तो हम चलते हैं 11 फ्लोर में चलते हैं। तो ये देखिए हमारा किचन है। तो आज हम मशरूम का चिल्ली बनाने जा रहे हैं। देखिए ये हमारा किचन है, इधर ही हम खाना बनाते हैं। तो ये देखिए मशरूम आधा आधा कट करके रखा हूँ। तो ये देखिए मैं कॉर्नफ्लावर लिया हूँ, तो थोड़ा हाफ स्पून नमक लिया हूँ, काली मिर्ची पाउडर लिया हूँ आधा स्पून, और सोया सॉस लिया हूँ थोड़ा सा। तो उसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके घोल बनाएंगे उसको। तो मशरूम को जो आधा आधा करके रखे हैं ना, तो उसको फ्राई करेंगे। चलिए हम मशरूम ऐड करते हैं उसमें घोल में। देखिए तो तेल तो ऑलरेडी हमारा गर्म हो चुका है। तो देखिए इसमें छोटा कढ़ाई है बोलते हम थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा फ्राई तो ऑलरेडी हो चुका है। देखिए हमारा चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। तो देखिए हम हरी मिर्ची एक लिए हैं, लहसुन लिए हैं, प्याज लिए हैं, रेड कैप्सिकम लिए हैं। तो देखिए विनेगर है, टमाटर सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस है। तो देखिए हमारा कढ़ाई गर्म होने लग गया है, हम तेल डालते हैं। तेल के बाद हम लहसुन और हरी मिर्ची ऐड करेंगे उसमें। तो उसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम प्याज ऐड करेंगे। देखिए तो एक प्याज हम काट के रखे थे, तो उसको फ्राई करेंगे। तो ये चिल्ली के लिए ज़्यादा फ्राई का ज़रूरत नहीं है। तो हाफ फ्राई होने के बाद कैप्सिकम आप ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए कैप्सिकम हम ऐड कर दिए, अभी मशरूम ऐड करेंगे। एक पैकेट मशरूम लिए थे हम लोग, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हाफ स्पून करीब सॉल्ट डालिए, तो पेपर पाउडर थोड़ा सा इसमें ऐड करिए। तो विनेगर करीब एक स्पून तक ऐड करिए, तो और ग्रीन चिली एक स्पून, बाकी सोया सॉस हाफ स्पून। सोया सॉस डालने के बाद टमाटो प्यूरी तो 2 चम्मच तक ऐड कर दिए। डालने के बाद अभी देखिए मिक्स कर लीजिए सही से। ये बहुत कम टाइम में बनता है, तो आप एक बार घर पर बना के ट्राई करिए। बस यही लगा तो हमको कमेंट में बताइए कैसा है। देखिए हमारा तो ऑलरेडी हो चुका है, 2-3 मिनट तेल लगेगा बस। देखिए देखिए बड़ा हम फ्राई कर चुके हैं, थोड़ा सा इसमें काम करिए, चिल्ली पाउडर ऐड कर सकते हैं इसमें ऊपर से। क्यों ना एक ही हरी मिर्ची डाले हैं ना, तो थोड़ा तीखा होने के लिए क्यों ना ऐसे ही हम लोग को बनाते हैं ना मशरूम चिल्ली, तो थोड़ा सा तो चिल्ली होना चाहिए। तो इस वजह से हम एक ही हरी मिर्ची डाले थे, उसका ऊपर में हम आधा स्पून करीब में डाले हैं मिर्ची। देखिए तो हो गया ऑलरेडी।